लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर मतदान हुआ। जिन 9 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से 3 सीटों पर वोटिंग में बढ़ोतरी हुई है, वहीं 6 सीटों पर वोटिंग में कमी आई है, जिसमें राजगढ़, गुना और विदिशा शामिल है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों में श्रेय लेने की होड़ मच गई है। जहां बीजेपी अपने तर्क दे रही है तो कांग्रेस अपना राग आलाप रही है। बीजेपी का कहना है कि चुनाव में वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी पार्टी के नाम पर हुई। इधर कांग्रेस का कहना है कि लोग बीजेपी और मोदी सरकार से नाराज हैं, इसलिए वोटिंग उनके पक्ष में हुई। अब 4 जून को ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और कांग्रेस की दलीलें कितनी सही और कितनी गलत है। देखिए, कम और ज्यादा वोटिंग का चुनाव के इस परिणामों से कोई संबंध नहीं है। लोग जो है राजगढ़ में केवल दिग्विजय सिंह का चेहरा देख के उन्होंने वोट डाली। दिग्विजय सिंह उनकी पहचान है, उनकी चिनार है, तो दिग्विजय सिंह को उन्होंने वोट डाली है। और यही जो है वोट जो है विदिशा में पड़ा है। समस्या ये है कि अगर आप इसको देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के श्रीमान अमित शाह जी आए थे, उन्होंने इस बात की धमकी दी थी सभी मंत्रियों को कि जिन मंत्रियों के क्षेत्र में वोट प्रतिशत कम होगा उन्हें मंत्रिमंडल से हटा दिया जाएगा। 8 मंत्रियों में से 5 के क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हो गई। अब आप ये देखिए कि गारंटियां तो दिए फिर रहे, अब ये गारंटी देखें कितने मंत्रियों को हटाया जाता है, इस गारंटी को भी देना चाहिए। देखिए, मैं कहता हूं गोविंदपुरा में और बड़ी हुई है निसंदेह और नरेला में, तो वो सब जगह जो भी लोग निकले हैं वो भाजपा से प्रभावित वाले लोग निकले हैं जो भाजपा की नीतियों में विश्वास रखते हैं, और कांग्रेस जो कांग्रेस की नीतियों के कारण जनता निराश है। देखिए, मेरे इस प्रश्न में ही वो सारा आ जाता है, क्योंकि ये घटी इसलिए जहां जहां भी क्योंकि नैराश्य का भाव है। कांग्रेस समर्थित जो वोटर्स हैं वो नहीं निकले हैं, अधिकतर वो बड़ी है जो भारतीय जनता पार्टी में आस्थावान जो लोग हैं, जो लाभार्थी गण हैं, जो हमने मोदी जी का राम राम कहा है, मोदी जी का प्रणाम बोला है और जनता को मतदाताओं को भगवान माना, इस कारण कांग्रेस तो इन्हीं मतदाताओं को राक्षस कहती है।